देखो कुछ टॉपिक्स हैं, इसकी इसका प्रिंट आउट अभी मिलेगा आपको, ये हमने क्लास में किया नहीं था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगुलर लेमिना, जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होता। नॉर्मल मेंस और जो नीट तक या मेंस अगर बात करते हैं तो बहुत बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है, मतलब एक स्टेप या एक कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। तो आज हम देखेंगे, इसमें थोड़ा मुश्किल नहीं है, मैं फिर कहूँगा, आज मैं दिखाऊँगा आपको जो क्वेश्चन आए हुए हैं। 2018 का पेपर मैंने डाला है, आज 2018 का डाला है पेपर 1 और 2, और मैंने किया है इसमें कुछ रोटेशनल की और बुक्स की प्रॉब्लम्स हैं जो तुमने शीट्स दी थी, वैसी प्रॉब्लम्स हैं। और आज का लेक्चर है ये, और लेक्चर बनता जाएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा रोटेशनल है तो कई पार्ट्स में चलेगा ये, ठीक। तो आज जैसे एक पार्ट है, फिर अगला पार्ट है, फिर अगला पार्ट है, एक एक करके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड जितने आए हुए पेपर हैं करंट 2018 का, 16 का और 17 का, जैसे मेंस में हमने देखा कैसा आता है, उसको भी साथ साथ व्यू में रखेंगे, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या आता है पेपर में। तो सबसे पहले ट्राइंगुलर लैमिना, अगर ये एक्सिस है जिसके अबाउट रोटेशन चलेगी, तो इसके लिए अगर ये एच हाइट है और ये एक लैमिना मीन्स 2D बॉडी है और ये एक स्ट्रिप है, और मान लो इसका डिस्टेंस कितना है एक्सिस से वाई है, ये बेस बी है, और लेट अस सपोज ये स्मॉल जो है इसकी लेंथ कितनी है डी वाई है। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सिमिलैरिटी यूज़ कर रहे हैं इस ट्राइंगल की और बड़े ट्राइंगल की। तो दो ट्राइंगल्स हैं, एक छोटे वाला एक बड़े वाला, डी ई बेस डिवाइडेड बाई बेस बी सी, डी ई बाई बी सी इज इक्वल टू एच और ये वाई। तो हाइट क्या होगी, एच माइनस वाई, और इसकी हाइट टोटल क्या हो गई, एच। तो ये रेशियो हमने बनाई, यहाँ से डी ई की वैल्यू निकाल ली। क्यों निकाल ली, छोटे ट्राइंगल का बेस क्यों निकाला भी देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसका मैंने एरिया निकाल लिया। इसका एरिया क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया। जो लैमिना होता है उसमें हमेशा मास डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया होता है, तो मुझे मास पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो मैं ही काम करूँगा इसमें, एरिया ऑफ द स्ट्रिप जो मैंने निकाला वो क्या निकाला, डी ई इंटू हाइट कितनी है, डी वाई। तो यहाँ से ये एरिया ऑफ स्ट्रिप आ गया, इसको डी ए से रिप्रेजेंट किया, डी ई की वैल्यू को ऊपर से नीचे पुट किया, और फाइनली मास बाय एरिया पूरे लैमिना का क्या होगा, मान लो पूरे लैमिना का मास है एम और एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या आ गया, मास पर यूनिट एरिया। मास ऑफ द स्ट्रिप क्या निकलेगा, मास ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप। एरिया ऑफ द स्ट्रिप हम डी ए निकाल चुके हैं, डी ए, इसको मास पर यूनिट एरिया से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्ट्रिप का क्या आ गया, मास आ गया। तो स्ट्रिप का मास आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस स्ट्रिप का बी सी एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मास, इसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास ऑफ स्ट्रिप इंटू वाई का स्क्वायर। तो ये स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और टोटल निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। मास स्ट्रिप डी हम निकाल चुके हैं ये पूरी की पूरी, और इंटू वाई स्क्वायर, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो इसकी इंटीग्रेशन अगर करेंगे जीरो से एच तक, जीरो से एच तक क्यों, क्योंकि ये y डिस्टेंस चल रहा है, पहली स्ट्रिप y इज इक्वल टू जीरो पे आएगी और आखिरी स्ट्रिप y इज इक्वल टू h पे आएगी, तो जीरो से लेके h तक चलेगा। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे जीरो से h तक, तो इंटीग्रेशन के स्टेप में शो किए हुए हैं मैंने, वाई स्क्वायर एक टर्म, वाई क्यूब एक टर्म, और वाई क्यूब बाई थ्री, वाई फोर बाई फोर, और लिमिट पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आपने याद करना है, 1/6 इंटू एम एच स्क्वायर। तो ये प्रूफ इसलिए करवाया कि कल को उन्होंने अगर फिगर ही चेंज कर दी, एक लैमिना दे दिया, तो एटलीस्ट आपको पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम या मास पर यूनिट एरिया से आपको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अदरवाइज मोस्ट प्रॉब्ली फॉर्मूले से ही काम चलेगा। तो फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया, ठीक। उसी तरीके से कई क्वेश्चन में मैंने देखा डायगनल के साथ बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायगनल हमने नहीं किया था, स्क्वायर का डायगनल है, और जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर लैमिना अबाउट इट्स डायगनल, तो अगर ये स्क्वायर लैमिना है इसका मतलब बीच में मास है, और ये इसका डायगनल है डी बी, हम क्या करेंगे इसमें, इसमें दो ट्राइंगल्स एज्यूम कर लेंगे, एक ऊपर वाला ट्राइंगल है और एक नीचे वाला ट्राइंगल है, दोनों सिमेट्री में है। तो अगर मैं सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल लूँ और इसका बेस एक्सिस लूँ, इस बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को कहूँ, तो आप पुराना ऊपर वाला फॉर्मूला ट्राइंगल का यूज़ करके बेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और फिर आपके पास एक नहीं, आपके पास तो दो ट्राइंगल्स हैं, तो इनटू रिजल्ट क्या हो जाएगा, इनटू टू हो जाएगा। तो ऊपर वाला ट्राइंगल अगर लें, तो ऊपर वाले ट्राइंगल में पहले ये हाइट निकालने कितनी है, तो वैसे तो पता ही होता है हाफ द डायगनल क्या होता है, एल बाई रूट टू होता है। तो आप अगर ये बी डी एक्सिस है, इस बी डी एक्सिस के अबाउट सीधा ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएं, हाफ इंटू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाफ डायगनल का स्क्वायर,
तो मास क्या पुट करेंगे, एम नहीं करेंगे, क्योंकि एम तो मास पूरे लैमिना का मास है स्क्वायर का, हमें तो आधा ट्राइंगल चाहिए, तो यहाँ पर एम बाय टू करेंगे, और ये डिस्टेंस क्या पुट करेंगे, एल बाय रूट टू का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। लेकिन हमारे पास ऐसे कितने ट्राइंगल्स हैं, दो, तो हम रिजल्ट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। तो रिजल्ट आ गया, अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बीच में से डायगनल जा रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12। ठीक है यहाँ तक, ये दूसरा रिजल्ट है। और तीसरा रिजल्ट, उसके ऊपर इसकी एप्लीकेशन ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा रिजल्ट है जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लामिना अबाउट इट्स डायगनल। तो अगर ये अब स्क्वायर ना होते हुए क्या हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, तो ये अगर रेक्टेंगुलर लामिना है और रेक्टेंगुलर लामिना की लेंथ जो है वो एल है और ब्रेथ बी है, और मान लो ये एक डायगनल है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप इमेजिन करें कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने यहाँ से ड्रॉ कर लिया जो कि कितना है इसमें, एच। तो आपने क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट डायगनल क्यू एस इज इक्वल टू दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल में से पहले एक ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा और इंटू टू हो जाएगा। तो ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं पहले, जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसका जो अगर एच निकालना है, एच मुझे गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक, आर से लेके एस क्यू तक। तो हम एक काम करते हैं कि जो एरिया रहेगा पी क्यू आर एस पूरे रेक्टेंगल का, एल इन टू बी है, इज इक्वल टू टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, ऊपर वाला ट्राइंगल। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट एच है और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन्हें इक्वेट करके आप पहले एच निकाल लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यू एस के अलॉन्ग अगर निकालना है, तो अभी पीछे फॉर्मूला किया था 1/6 इंटू मास की जगह एम, नहीं मास की जगह एम बाई टू, और इंटू हाइट का स्क्वायर, और इस रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर दें, टू से, तो फाइनल आंसर ये आएगा। तो आज के बाद अगर एक रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के डायगनल के अलॉन्ग अगर आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो ये फॉर्मूला वर्क करेगा। ठीक है यहाँ तक, ये तीन फॉर्मूलाज हैं जो आपको हेल्प करेंगे। और इसमें से जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, एक सिलेंडर है और रेडियस इसका कितना है, आर है, एक और शीट देना, ऑफ रेडियस आर एंड मास एम इज पिंड अबाउट इट्स एक्सिस टू एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। हमने एक सिलेंडर लिया, ओमेगा नॉट से स्पिन कर दिया और उसको इस दीवार के कोने में छोड़ दिया, और फ्रिक्शन प्रेजेंट है बेस पे और वॉल पे, दोनों पे म्यू गिवन है, और ऑब्वियसली ये घिसटता हुआ जाएगा और अपनी स्पीड को स्लो कर लेगा, दीवार के साथ साथ खड़ा रहेगा, जाएगा तो क्या, खड़े खड़े फ्रिक्शन एक्ट करती रहेगी और अल्टीमेटली ये रुक जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इसमें काम करेगी क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है सर्फेसिस में। हाउ मेनी टर्न्स विल दी सिलेंडर अकम्प्लिश बिफोर इट स्टॉप्स, रुकते 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 वो कितना एंगल कवर कर लेगा, ये आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को देखो, कभी भी देखो, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, जो मेन्स के क्वेश्चन है, उसमें इतनी हेडेक नहीं होती, उसमें हमारी जो टेक्निक है ना वो इस तरीके से चलती है कि हमारे पास ना एक डेटा बैंक होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन एयर जिसे बोलते हैं। मान लो मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिखाए, तो वो ना कहीं आपके दिमाग पे कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप करते जाते हैं, और जब एक मेंस का क्वेश्चन आता है ना, तो उन में से ही आप मैच कर लेते हैं और थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के क्वेश्चन इजी सॉल्व हो जाता है। एडवांस का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, एडवांस के क्वेश्चन का क्वेश्चन तो होगा नहीं ना, कोई ये तो है नहीं कि मैंने 100 क्वेश्चन एक टॉपिक पे करवा दिया उसमें से निकल के आएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दो चार चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को इकट्ठे चलाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन करना एडवांस का पहले अप्रोच बना नहीं है, क्योंकि इसमें ये भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन लंबे हैं, और ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार ट्राई किया मेंस की तरह, चलो दूसरी बार करके देख लिया, तो क्योंकि आप लंबा सोल्यूशन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो हो सकता है कि आप कहीं बीच में फंस जाएं, तो आपके 5 या 10 मिनट लगाए हुए भी ख़राब भी हो सकते हैं। तो पहले आप एक बार टेक्निक सोचेंगे, इतनी टेक्निक सबको पता है कि अगर एक कोई भी बॉडी घूम रही है विद ओमेगा नॉट और वो रुक जाती है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा उसका, जीरो। तो अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन भी दूं, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए, एक डिस्क घूम रही है ओमेगा नॉट के साथ और फाइनली वो रुक गई बाय अप्लाइंग रिटार्डिंग टॉर्क या रिटार्डिंग एक्सेलरेशन, तो उस केस में वो उसने एंगल कितना कवर किया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में एंगल निकलता कैसे है, सेंटर पे जो एंगल कवर होता है, जो एंगल होता है, या नंबर ऑफ रोटेशंस, रादर उसने बोला नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलते हैं, कितना एंगल कवर किया डिवाइडेड बाय
ये फॉर्मूला समझ में आता है कि अगर आप थीटा को 2 पाई से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रोटेशंस आ जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि एक रोटेशन का मतलब कितना कितना एंगल सेंटर पे कवर हो गया, 2 पाई, और ऐसी कितनी रोटेशंस हो गई, एन, तो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा। तो एन का मतलब नंबर ऑफ रोटेशन, कभी भी निकालना है घूमती हुई बॉडी का तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा, थीटा निकल जाए। थीटा निकालने के लिए आपको ये समझ में चाहिए कि अगर ओमेगा नॉट गिवन है और फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा, 0, तो मुझे या तो लगाना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू थीटा, कुछ ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर ओमेगा की वैल्यू को मैं क्या पुट कर दूंगा, 0, ओमेगा नॉट तो मुझे गिवन ही है, और यहां से क्या आ जाएगा, थीटा, थीटा यहां पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अप्रोच समझ में आ रही है? मेन पर्पज हमारा क्या रह गया, टू कैलकुलेट थीटा। अब थीटा निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल्फा, रिटार्डेशन करनी पड़ेगी। रिटार्डेशन अगर निकालनी हो या अल्फा कभी भी निकालना हो, और रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट है, हो ही नहीं सकता कि टॉर्क के बिना क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि टॉर्क क्या होता है, आई टाइम्स अल्फा, राइट। तो ये भी समझ में आ रहा है कि आई टाइम्स अल्फा लगने वाला है इसमें, तो अप्रोच समझ में आ रही है कि कैसे लिंक बनेगा इसका। लिंक जरूरी है क्योंकि 5-6 चीज आज मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा था आते हुए भी, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कितना एफर्ट लग गया एक क्वेश्चन में, मेरा तो क्या ही लगेगा, आपका कितना एफर्ट लगेगा, आप घर जाके उसे ट्राई करना। तो क्वेश्चन इजी है, मजे की बात तो ये है, छोड़ा भी नहीं जाएगा आपसे, दिखाता हूँ अभी। तो इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम रोटेशनल की है, रोटेशनल काइनेमेटिक्स की है। अब दिक्कत क्या है, मुझे अल्फा निकालना है, अल्फा के लिए मुझे रिटार्डिंग फोर्सेस ढूंढनी पड़ेंगी, और फोर्स इसमें एक नहीं है, फोर्सेस ड्रॉ करने के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम डिस्कस करना पड़ेगा। देखो ना, रोटेशनल की प्रॉब्लम है, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के अंदर जाने वाली है, दो चैप्टर की लिंक का लिंक बनना स्टार्ट हो गया। तो इसके अंदर अगर मान लो ये एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस आर, तो एक फ्रिक्शन तो यहां ऐड करेगी, ये देखेंगे कि ये घूम कैसा रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला हिस्सा इसका इधर जा रहा है, तो इस पे फ्रिक्शन ऐड करेगी इधर, काइनेटिक इधर, और मान लो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन कितना है N1 और वेट कितना है mg, और उसी तरीके से जो वॉल है उसके साथ अगर ये पोर्शन लिया जाए, तो ये पोर्शन कहाँ जा रहा है, नीचे, तो फ्रिक्शन ऐड करेगी ऊपर, और दीवार के साथ भी ये कांटेक्ट में है, तो दीवार भी इसके ऊपर क्या लगाएगी, नॉर्मल रिएक्शन। तो एक रिएक्शन इधर, एक रिएक्शन इधर लगने वाला है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, N2, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू N2। ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? तो अब इसके अंदर मुझे क्या करना है कि ये खड़ा खड़ा घूम रहा है, ये चल तो रहा नहीं, सिर्फ घूम ही रहा है, बेसिकली रोटेशनल मोशन में है, ट्रांसलेशन मोशन तो है ही नहीं, तो ये ट्रांसलेशन के इक्विलिब्रियम में होगा, ना तो ये एक्स में मूव कर रहा है, ना ये वाई में मूव कर रहा है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम इसमें होगा, यानी कि लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, और ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, इसका खुद का वेट कितना है, mg। तो लेफ्ट और राइट की फोर्स की अगर बात करेंगे, तो यहां पर एक फोर्स क्या ऐड कर रही है, N2, और एक फोर्स क्या ऐड कर रही है यहां पर, म्यू के इंटू N1, राइट। तो ये आपके पास, आप इक्वेशन चेक कर सकते हैं, पहली इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, N2 इज इक्वल टू क्या, म्यू के इंटू N1, ठीक। और उसी तरीके से अपवर्ड फोर्स क्या है इसमें, म्यू के इंटू N2, और साथ में नॉर्मल रिएक्शन N1, और नीचे की फोर्स कितनी है इसमें, mg। तो दो इक्वेशंस तैयार हो गई यहां से ट्रांसलेशन की। अब रोटेशनल की बात करेंगे अभी, लेकिन रोटेशनल से पहले हम ये क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हमारे पास, क्योंकि देखो इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ आने वाली है, आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि इसमें टॉर्क जनरेट या रिटार्डिंग फोर्स जो है इसकी मोशन को स्लो कर रही है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें रिटार्डिंग टॉर्क होगा, वो रिटार्डिंग टॉर्क कौन लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगा। तो आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर कैलकुलेट करनी है ताकि आप रिटार्डिंग टॉर्क निकाल सकें, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल्स हैं N1 N2, तो आपके पास N1 और N2 दो वैल्यू सॉल्व करके आ जाएंगे, ठीक। ये पार्ट आपके टाइम में, आपका टाइम कंज्यूम करेगा, चाहे 1 मिनट करे चाहे 30 सेकेंड करे, राइट। ये मैंने स्किप किया, लेकिन आप तो इसे सॉल्व भी करेंगे ऑब्वियसली, ठीक। उसके बाद टॉर्क क्या होगा, नेट आई अल्फा, टॉर्क रिटार्डिंग है, इसलिए कौन प्रोवाइड कर रहा है रिटार्डिंग टॉर्क, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे, अगर डायग्राम को देखें 1 मिनट के लिए, ये आपका एक डायग्राम है, ये रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कहां ऐड कर रहा है इसमें, इस तरफ, इस तरफ। और अगर कोई बॉडी ऐसे ऐड करेगी, बॉडी को कैसे घुमाएगी आगे, राइट, ऐसे ऐसे घुमाएगी, तो ऐसे
वो अलग बात है कि बॉडी को ओमेगा नॉट आपने इनिशियली दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपका टॉर्क जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू आर, ये रिटार्डिंग टॉर्क होगा। सिमिलरली ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और ये आर है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर ऐसे बॉडी को घुमाएंगे तो ऑब्वियसली ये भी उल्टा घूमने की कोशिश कर रही है, तो ये भी रिटार्डिंग टॉर्क ही जनरेट करेगा। तो दोनों फ्रिक्शन ऑब्वियसली उसको हेल्प कैसे कर सकती हैं, दोनों फ्रिक्शन इसमें क्या कर रही हैं, वो घिसट रहा है या तो रोल कर रहा होता तो वो हेल्प करती, खड़े खड़े वो रोकने की कोशिश कर रही है तो रिटार्डिंग टॉर्क होगा, तो साइन इसमें क्या होगा, माइनस। माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू आर, तो टॉर्क आ गया यहाँ पर, टॉर्क होता गया आई अल्फा, क्योंकि एक सिलेंडर है, सिलेंडर का आई क्या होता है, हाफ एम आर स्क्वायर, तो आर से आर ही कैंसिल हो गया, एन वन एन टू की वैल्यू ऊपर से नीचे पुट करनी है, सॉल्व करके क्या जाएगा आपके पास, एल्फा, एल्फा की वैल्यू आ गई, एल्फा की वैल्यू आ गई, तो अब वही मैंने आपको बताया था एंड में, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज टू एल्फा थीटा, मेन पार्ट खत्म हो गया, एल्फा को पुट किया तो देखो क्या निकला इसमें, थीटा, फिर नंबर ऑफ रोटेशंस के लिए एन की वैल्यू आपने थीटा यहां पर वैल्यू पुट की और नंबर ऑफ रोटेशंस कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये एक क्वेश्चन है जो आया हुआ क्वेश्चन है, तो टाइम कंजम्पशन है इसमें, एक भी गलती अगर कैलकुलेशन में भी हो गई, फ्रिक्शन की डायरेक्शन में हो गई या कुछ भी हुआ, तो आपका वो टाइम जो है वो भी खराब हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्शन चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में तो देखो कोई शक ही नहीं है, पूरा मैथ्स खोल के रख देंगे आपका वहाँ पर, वो अभी दिखाऊंगा अभी, उसमें कैलकुलस ये वो काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होता है। बट नॉन मेडिकल वालों को इसलिए टेंशन नहीं है क्योंकि कैलकुलस प्लस टू के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल का आपको सिलेबस में दिया हुआ है, प्लस टू का कैलकुलस बहुत अच्छे लेवल का आपका, तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ भी नहीं रहेंगी प्लस टू के बाद तो, ठीक। बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एक बार पढ़ो और देखो इसमें क्या लगेगा, इसमें एक बार ट्राई करो और कॉन्सेप्ट डिस्कस करो। बिलियर्ड बॉल इनिशियली एट रेस्ट इज गिवन अ शार्प इम्पल्स बाय अ क्यू, वो पूल टेबल पे जो स्टिक है वो उसकी बात हो रही है, तो एक स्टिक के साथ उसे एक शार्प इम्पल्स दिया, आप पूल टेबल बॉल रखते हैं और एकदम इम्पल्स देते हैं, तो अब वो क्या हुआ कि द क्यू इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ वॉट, एच, अबव द सेंटर ऑफ द लाइन, इस सेंटर से एच डिस्टेंस पे इस क्यू को रखा गया, ठीक है। द बॉल लीव द क्यू विद अ स्पीड ऑफ वी नॉट, तो जब ये बॉल चली तो इसकी स्पीड क्या थी, वी नॉट, किसकी स्पीड थी, नहीं वो तो मुझे पता है, मतलब क्या ऐसी घूमने की, कहाँ क्या, सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास की वी नॉट, जबकि सेंटर ऑफ मास इनिशियली किस पे पड़ा हुआ है, रेस्ट पे, तो आपने जीरो नहीं बोलना क्योंकि एक शार्प इम्पल्स है तो इनिशियल वेलोसिटी मदर स्पीड के साथ मूव करेगा, वो वी नॉट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि इस केस में एंड एक्वायर द फाइनल स्पीड ऑफ 9/7 इनटू वी नॉट, तो मुझे लगता है स्पीड बढ़ गई उसकी इनिशियली वी नॉट से एकदम 9/7 इनटू वी नॉट हो गई, सेंटर ऑफ मास की अगेन, शो दैट उसने ये जो क्यू को रखा था वो कितनी हाइट पे रखा, 4r/5 पे रखा था, तो आपको हाइट बतानी है ये इसके इक्वल है। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई स्टिक पड़ी हो और एक बुलेट उसको हिट करे और पड़ी हुई स्टिक घूमना स्टार्ट कर दे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, याद है, तो
तो स्टिक टेबल पे पड़ी हुई है, वो हिट करती है, वो घूम जाती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बस सेम है। सोचो ये बुलेट नहीं है, ये तो क्यू है, क्या फ़र्क पड़ता है, हिट ही कर रहा है उसे वो, तो एंगुलर मोमेंटम इसमें कंजर्व होगा। बॉल फेयर करेगा नहीं, ओके नोट कर लेना, रोटेट करेगी इसमें। हाँ वो कह रहा है कि कहीं वो स्लिप ना करती हुई चली जाए, वो ये कह रहा है, नहीं इसमें रोटेशन है। ठीक, सो हो सकता है कि मैंने नोट करते करने में शायद कुछ, वैसे नहीं बुक से ही नोट किया यार मैंने, स्टेटमेंट छोड़ी तो नहीं होगी कोई भी। चलो कोई बात नहीं, तो इस केस में भी जो है ये स्पीड हो गई, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी स्लिप करेगी फिर वेलोसिटी कैसे बढ़ेगी। बिना फ्रिक्शन के वी नॉट सेम नहीं रहेगा फिर, चलो चलो ठीक है, मैं रोटेशन का इसमें है तो इसमें अब चलो मैंने दिया इसमें, चलो मेंशन कर दिया, वैसे होएगी पक्का होएगी होएगी, घूमेगी नहीं घूमेगी नहीं। वैसे मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, जितने क्यू वाले क्वेश्चन होते हैं हिट करने वाले पूल टेबल वाले, रोटेशन पक्का ही होती है, बात ही खत्म है यार। गोली लगे बुलेट को और वो स्टिक को, वो घूमेगी घूमेगी, वो कहे ना कहे उसको घूमना ही है बेसिकली। तो बाकी ना ऑप्शन भी आपको बता ही देंगे कहीं ना कहीं, करते करने आपका आंसर आएगा भी नहीं, वैसे भी लगाओगे भी क्या। देखो तो इसमें जब भी मैंने बताया कि वो एक बुलेट लगेगी या एक लेट अस सपोज जो है स्टिक से हिट हुआ, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होगा, जे इम्पल्स है, और आपकी काफ़ी बुक्स ऑब्जेक्टिव के अंदर जे को इम्पल्स लिखती हैं। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम में इनिशियल इम्पल्स है, पहले तो बॉल बिल्कुल ही रेस्ट पे थी, जीरो पे थी रेस्ट पे उसके बाद एकदम वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट। तो ये मत कहो कि वेलोसिटी वी नॉट से तो 9/7 वी नॉट हो गई थी, तो यहाँ देखो इम्पल्स लगना तब तक बंद हो गया था, हल्की तो स्टिक लगाई उसने काम खत्म, तो इसलिए चेंज इन मोमेंटम एम वी नॉट माइनस जीरो माना जाएगा, तो ये आपके पास जे आ गया, और तभी वो जान के इसमें इनिशियल इम्पल्स की बात करेगा। तो यहाँ से आपके पास वी नॉट की वैल्यू इफ नीड आ जाएगी, और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता था, बुलेट वाली प्रॉब्लम है, एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा, एम वी आर इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये बुलेट नहीं है इसमें, बुलेट में ना बुलेट में तो एम वी आर चलता है क्योंकि पॉइंट मास की तरह उसको ट्रीट किया जाता है एम वी आर, ये क्यू है, इसलिए इस क्वेश्चन में एम वी आर नहीं दिया उसने, क्योंकि मुझे उसको स्टिक का मास थोड़ी ना पता है क्या हो रहा है, तो इसलिए वो आपको क्या देगा इसके इसमें जे देगा, तो एम इन टू वी का प्रोडक्ट दे देगा आपको, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन में जब वो पॉइंट मास नहीं देना चाहता और फिर भी मोमेंटम को डिस्कस करना चाहता है तो वो जे की फॉर्म में क्वेश्चन देगा। तो एम वी आर, आर का मतलब ये एक्सेस है, इस एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कितना है एच, तो एम वी आर की जगह क्या यूज करेंगे, लीनियर मोमेंटम इंटू मतलब लीनियर मोमेंटम पी इंटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एंगुलर मोमेंटम, एम वी की जगह जे लिख लिया, एम वी आर एम वी इंटू जे इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा। तो जब उसे हिट करेगा तो आपको एटलीस्ट ये पता लगेगा कि वो रोटेशन कितने ओमेगा के साथ करेगा। तो यहाँ से आए क्योंकि बॉल है, बॉल स्फीयर की तरह काम करेगी, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से सॉल्व करके आपने क्या निकाल लिया, ओमेगा। जे आपको वहां से पता था एम वी नॉट, जे को यहां पुट किया एम वी नॉट, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा। तो यानी कि जब उसने इसको हिट किया तो बॉल कितने ओमेगा से चली, सबसे पहले ये निकलेगा, चाहे बुलेट वाला क्वेश्चन हो जो स्टिक को हिट करे, चाहे ये क्यू वाला क्वेश्चन हो बॉल रेस्ट पे पड़ी हुई है आपने हिट किया वो घूमना शुरू कर दे, सबसे पहला काम इसमें ओमेगा निकालने का ही होता है। तो यहां तक तो ये स्टेप कॉमन ही रहेगा, तो यहां तक आ गया। अब आगे टॉपलिंग का क्वेश्चन हो, जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि बिल्कुल एंड में रोटेशनल में कि एक क्यूब आ रहा है, और मेंस में भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये एडवांस में बहुत बार आया है, एक क्यूब आ रहा है आगे एक नेल है और वो पलट गया, और मैंने ये भी बताया था कि मैं खुद स्लिप हो रहा हूँ और एकदम मैं पलट गया, तो वहाँ पर मेरे पैर के एक्सिस को मानते हुए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। और इसको करने के दो तरीके बताए थे, एच सी वर्मा का आखिरी क्वेश्चन था, मैंने बताया भी था कि एक लंबा तरीका था, बहुत लंबा था, रोलिंग वाले असाइनमेंट में था, और एक एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का था। कोई बात नहीं, अब इतना नहीं याद रहेगा आपको, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। अब एंगुलर मोमेंटम जो मैं कंजर्व करूँगा वो मैं ओ पॉइंट के अबाउट करूँगा। देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेल रोटेशन मुझे पता नहीं है कितने लोगों ने सुना हुआ है,
तो उसमें मैंने रिकॉर्डिंग दी थी, कितने लोगों ने सुन लिया वैसे? वो ना जो वो सब इस ये जो पूरे लेक्चर्स हैं उसके उसके बाद के हैं, प्लीज़ अगर वो भी साथ में हो गया तो फिर तो हो गया, फिर तो कैसे होगा, उसके बियॉन्ड आगे जाएंगे ना, उससे पीछे क्यों आएंगे? कोई बात नहीं, इफ़ नीडेड अब वापस सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आज का लिंक नहीं है अभी, पर अगली बार का जरूर लिंक हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल रोटेशन IOR हो सकता है किसी प्रॉब्लम में यूज़ हो जाए, तो वहाँ हो सकता है कि अगली बार तक यूज़ हो, आज तो नहीं डाली। तो अब हमने क्या किया, एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन ओ के अबाउट अगर हम निकालें, हमने किया था, मुझे याद आया हमने क्लास में ये किया था सच, कि अगर मुझको सेंटर के अबाउट एंग्लो मोमेंटम नहीं निकालना, ओ पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास का जितना है वो तो रहेगा रहेगा, प्लस ओ पॉइंट पे कुछ शिफ्ट भी करना पड़ता है। कैसे? इनिशियल क्या होगा, इनिशियल जो वैल्यू होगी इसकी वो क्या होगी कि आई इंटू ओमेगा तो लगना ही लगना है, आई इंटू ओमेगा किसके अबाउट लगता है, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन हमारा अगर मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं ये यूज़ नहीं करूँगा, कब यूज़ नहीं करूँगा, जब ये जो टर्म है, अगर मुझे मेरा एक्सिस क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास लेना है, अगर मेरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास होता तो फिर ये टर्म यूज़ ना होते, पर मेरा एक्सिस सेंटर ऑफ मास लिया ही नहीं, जब भी रोटेशन होगी इस टाइप की तो उसका एक्सिस बॉटम मोस्ट पॉइंट लिया जाता है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो होती है वो तो होती होती है, साथ में लीनियर मोमेंटम की वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो क्या होता है MVR, वो भी करना पड़ेगा। दैट इज जैसी वो चला था क्यू या ये बॉल चली थी तो उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या थी, MV नॉट SA, और पेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था OC इसका R। तो ये ऐसे बोल सकते हैं इजी टर्म में, अगर ये बॉल खड़ी खड़ी घूम रही है बस, सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, तो फिर आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ आई ओमेगा आएगा बस। लेकिन यहाँ पर रोटेशन जो है इसका एक्सिस सेंटर ऑफ मास नहीं है, एक्सिस ओ है, तो आई इंटू ओमेगा तो होगा ही होगा, साथ में MVR भी होगा। तो ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, और फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ओमेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओमेगा डैश में, और साथ ही साथ वेलोसिटी वी नॉट की जगह क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, वी नॉट की जगह भी। तो यहां से वी की जगह पुट कर सकते हो 9/7 टाइम्स वी नॉट जो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, और ओमेगा की वैल्यू वो पूरी की पूरी ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो। तो जब आप ओमेगा को यहां पुट करेंगे, ये मैंने ओमेगा पुट कर दिया, और ओमेगा इज जो ओमेगा डैश था उसकी जगह वी नॉट बाय आर नहीं, उसकी जगह वी बाय आर, क्योंकि अब वेलोसिटी ओमेगा डैश हो चुकी है और वेलोसिटी वी नॉट की जगह वी हो चुकी है, तो वी इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा डैश, ओमेगा डैश इक्वल टू वी बाय आर, MVR। इसे सॉल्व किया, आर से आर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 5 से 5, 2 से 2, तो ये इतना टर्म बच जाएगा। सिंप्लीफाई किया, इसे सिंप्लीफाई करके ये टर्म ऐसे ही, ये टर्म ऐसे ही, वी जो क्वेश्चन में गिवन है वो कितने टाइम्स है, 9/7 टाइम वी नॉट गिवन है, वी की जगह 9/7 टाइम वी नॉट गिवन है। इसे जब मैंने सिंप्लीफाई किया, आपके सामने किया हुआ है सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 4/5 टाइम्स आर। कैलकुलेशन वाला पार्ट फिर से एक बार जरा ध्यान से देखो, ये मेंस वाले इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाते जहां तक मैं समझता हूँ, राइट? पर ये हर क्वेश्चन में इससे ज्यादा ही करवाते हैं, इससे कम तो नहीं करवाते, ये तो फिर भी इजी है, इससे ज्यादा ही चलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर आप पेपर वन देखेंगे एडवांस का, मैं करके लाया हूँ आज, मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मैं IIT का पेपर दे रहा हूँ, बहुत मज़ेदार। पेपर टू में यकीन होगा, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ। पेपर वन में जब लोग एडवांस दे के आते हैं नॉर्मली खुश रहते हैं कि ठीक सा हुआ, पेपर टू के अंदर स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है, पेपर टू की लेंथ ज़्यादा है उससे, पेपर वन बेसिक ठीक रहता है। क्वेश्चन पढ़ना प्लीज़।
देखो इसके अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर एक रॉड है और ये रॉड के साथ एंगल थीटा है। ऐसा ना वेक्टर के अंदर भी क्या करते थे क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द रॉड एल है, एंगल 37 डिग्री किसी इंस्टेंट पे है, वेलोसिटी और द एंड बी निकालो, वेक्टर का ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो उस टाइम किया था। तो इसको करने के लिए वेक्टर के अंदर भी सेम ही रूल यूज़ किया था मैंने, एल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला, ये रहा एक्सचेंज हो रहा है वाई चेंज हो रहा है, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया, इसे डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी टी का मतलब है बी की वेलोसिटी, बी एंड की वेलोसिटी आ जाएगी इस तरीके से, और डी एक्स बाई डी टी का मतलब ए एंड की वेलोसिटी आ गई। तो डी वाई बाई डी टी, बी एंड की वेलोसिटी, एक्स बाई वाई, यहाँ से एक्स बाई वाई कॉट थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस कॉट थीटा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी किसी भी इंस्टेंट पर क्या गिवन है, वी नॉट गिवन है, थीटा 37 डिग्री गिवन है, तो यहाँ से आंसर आ गया माइनस साइन का मतलब बी पॉइंट कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट है इसी के अंदर, इसी की कॉन्टिनेशन है, इसकी पेज कहाँ है यार, एक ही पार्ट है, इसे दो पार्ट नहीं है, एक शीट मिसिंग है इसका मतलब, ओमेगा था इसमें निकालने को, एक मिनट रुकना, उनको ना इस शीट के ओरिजिनल देंगे जरा, एक मिनट, इस शीट के ना ओरिजिनल स्कैन नहीं हुआ एक पेज, उसमें दो पार्ट्स और हैं इसके, शायद ओमेगा निकालने का ही पार्ट है, कोई बात नहीं बता देता हूँ। मैंने कब लिया डी एक्स बाई डी टी, प्रिंटआउट भी नहीं मिला आपको इस पेज का, एक्चुअली देना पड़ेगा मुझे, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट लिखो इसमें, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसमें, ठीक। जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड है वो आपको इसमें निकालनी है, यानी कि आपको ओमेगा निकालना है। तो कैसे करेंगे एक बार चेक करो, आई बार कितना, फाइव वी नॉट बाई थ्री एल, सही है, क्या किया इसमें, एक और तरीका बताता हूँ, एक्स की वैल्यू लिख लो, एक्स की वैल्यू इसमें क्या चेक करो, एल कॉस थीटा, ट्राइंगल से लिख लो, लिख लिया, ये भी आसान तरीका है, अच्छा तरीका है, पता है क्यों, अगर मैं एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो वी नॉट आ जाएगा टाइम के साथ, थीटा को करूंगा तो ऑटोमेटिकली ओमेगा आ जाएगा, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करो जरा, तो क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, ये क्या टर्म आ जाएगी, ओमेगा, ठीक, और ये टर्म क्या आ जाएगी, वी नॉट, तो वी नॉट इज इक्वल टू माइनस एल साइन थीटा इंटू ओमेगा, एक्स एक्स डी एक्स बाई डी टी वी नॉट आएगी, वो अलग टेक्निक है ना, वो एक्चुअली उसमें आप कॉम्पोनेंट्स ले रहे हो, आप रोटेशन सोच रहे हो इसमें, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंस्टेंट सोच रहा हूँ, किसी भी इंस्टेंट पर मेरे को वेलोसिटी गिवन, अगले इंस्टेंट पे क्या हुआ मेरे को, क्या मेरा इंस्टेंट वो गिवन है जब मेरी वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी वी नॉट है, अगले इंस्टेंट पे चेंज होती है तो होने दो, तो ऑटोमेटिकली वी नॉट के कॉरस्पॉन्डिंगली मेरे पास क्या जाएगा, ओमेगा जाएगा, और थीटा आपको सीधा क्वेश्चन में क्या गिवन है, 37, साइन 37 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 5 वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना, 3L, मैग्नीट्यूड ऑप्शन में गिवन था तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई, ठीक। और इसका एक और पार्ट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी ए वेक्टर
प्लस वी डिवाइडेड बाय 2 mm कट गया, मास तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगा, तो वी ए वैक्टर की वैल्यू हमें पता है, वी बी वैक्टर हमने निकाल लिया, तो इन वैल्यूज़ को पुट करके आपके पास क्या वैल्यू आ रही है चेक करो, वी सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंट पे क्या होगा, वी ए वैक्टर कितना गिवन है, वी नॉट गिवन है, और कैसे आई कैप में गिवन है, और वी बी वैक्टर क्या आया था अभी 4/3 वी नॉट, और एक्सिस क्या है माइनस जे कैप, यही था ना माइनस जे, नीचे की तरफ का मतलब माइनस जे है, तो यहाँ से वी नॉट बाय 2 आई कैप माइनस 2/3 वी नॉट जे कैप, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वी नॉट बाय 2 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 वी नॉट का होल स्क्वायर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटर ऑफ मास कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक, नेक्स्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो पेज नंबर 6 इसमें मिसिंग है, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, पर आपको जो है प्रिंट आउट पूरा मिलेगा इसमें, तो क्लास के अंदर एक शीट मिस हो गई, ठीक अभी करेक्शन कर दूंगा इसे मैं, एक क्वेश्चन लिखें प्लीज़, और अभी स्लाइड पे नहीं आएगा तो सीधा यहीं पे लिखें कि सपोज करो देयर इज़ अ क्यूब, एक क्यूब जिसकी साइड इज ए, क्यूब की साइड इज ए, मूव्स ट्रांसलेशनली ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, बिल्कुल सीधा जा रहा है और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, रास्ते में एक पॉइंट आता है पी, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखनी, डायग्राम बनाना है, सीधा न्यूमेरिकल करना है, तो ये स्मूथ राइट की तरफ आ रहा था, रास्ते में कोई पॉइंट आया पी, कोलाइड्स इन इलास्टिकली विथ स्मॉल ऑब्स्टेकल, टक्कर हुई पी के साथ, एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट रोटेटिंग अबाउट इट, तो क्या हुआ, इसने रोटेट करना शुरू कर दिया, वही सेम क्वेश्चन है, लीनियर चल रहा था एकदम एंगुलर में आ गया, क्या लगेगा इसमें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन MVR इज इक्वल टू आई टाइम्स ओमेगा टाइप लगेगा, राइट, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी वी, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी वी दैट शुड बी इंपार्टेड टू ब्लॉक, कि मैं इस ब्लॉक को कितनी वेलोसिटी दूं ये बताओ, सो दैट इट टॉपल्स ओवर, ये मतलब ऐसा ना हो कि ये क्यूब आ रहा था, इसकी टक्कर हुई, ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हो गया, मैं चाहता हूं ये आए और ये गिर जाए, बस आप कहोगे जित बहुत जोर की फेंक दो, नहीं नहीं फिर तो उल्ट जाएगा, नहीं मैक्सिमम नहीं पूछा मिनिमम, तो बस आए, स्लो मोशन में देखो, अब या तो आर या पार, इधर या इधर गिर जाएगा या वापस आ जाएगा, मैं हिंट दे रहा हूं क्वेश्चन को कहां से पकड़ना है, फिर दूं, ठीक
देखो मैं स्कैन करके लाया हूँ अभी वैसे ये शीट अभी, और ये पार्ट तो आपको मिल गया ठीक। ये क्वेश्चन है, अ क्यूब ऑफ साइड ए, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनके असाइनमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रिंटेड है, तो आपको प्रिंटआउट लेने की जरूरत नहीं है। प्लीज़, क्यूब ऑफ साइड ए मूव्स ट्रांसलेशनली, ये क्वेश्चन है, पी पे हिट करता है, टॉपल करता है, इसकी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ऐसी बस, या तो इधर गिरा या इधर गिरा। मैं बार बार हिंट दे रहा था, तभी मिनिमम केस निकलेगा। तो मैक्सिमम करना फिर वो दिक्कत ही नहीं है, या कोई भी वेलोसिटी निकालनी है फिर तो एम वी आर इक्वल टू आई ओमेगा जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें मिनिमम वेलोसिटी है। तो एक काम करते हैं कि मान लो ये वाला जो एंड है ये बिल्कुल हवा में ऐसे आ गया टॉप पे, और ये सिचुएशन होगी सच दैट दिस डिस्टेंस इज ए बाय रूट टू विच इज इक्वल टू डी। तो अब मुझे पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और ओमेगा नॉट का मतलब एंगुलर वेलोसिटी जस्ट आफ्टर कोलिजन, पहले तो लीनियरली जा रहा था, उसके बाद ही ओमेगा नॉट में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, एम वी इन टू आर, आर की जगह ए बाई टू, क्योंकि हाइट कितनी है ए बाई टू और पी इज द एक्सिस, तो एम वी आर इज इक्वल टू एम वी, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास जा रहा था ऐसे कर लो, जो सेंटर ऑफ मास जा रहा था वो वी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और इसका डिस्टेंस ये एक्सिस हो जाएगा कॉर्नर का जो पी पॉइंट से हिट करेगा, तो एम वी इन टू ए बाई टू आई इन टू ओमेगा। लेकिन आई किसके अबाउट निकलेगा, अबाउट पॉइंट पी निकलेगा, पी इसका एक्सिस हो जाएगा, तो एम वी इंटू ए बाई टू इज इक्वल टू पी एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास का होगा वो तो होगा ही होगा, जो सेंटर ऑफ मास का है वो तो है ही है, साथ में क्या है, साथ में ये डिस्टेंस भी होगा, मान लो ये पी पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास का जो है वो तो है ही है, साथ में ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है ए बाई रूट टू हाफ द डायगनल, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, सेंटर ऑफ मास प्लस एम पी स्क्वायर डी का मतलब यहां पर ए बाई रूट टू, तो डी की जगह ए बाय रूट टू पुट कर दिया, और फाइनल वेलोसिटी घूमने के बाद क्या आ गई, ओमेगा नॉट। तो यहां से आपने सॉल्व किया इस रिलेशन को, आपके पास ये वी की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट, पर ओमेगा नॉट तो गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो अननोन है, और वी भी मुझे निकालना है, वी भी अननोन है, तो अननोन अननोन की फॉर्म में तो निकलेगा नहीं, अब क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा नॉट। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर ना ओमेगा गिवन होता है इजी क्वेश्चन में, मेज टाइप क्वेश्चन में ओमेगा नॉट देगा वो, कि घूमने के बाद इट रिक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा नॉट, तो वहां पे वी पूछ लेगा, तो मेंस का क्वेश्चन ये भी खत्म हो जाएगा, वी निकाल देना इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट, डन हो गया। तो एडवांस की प्रॉब्लम में थोड़ा सा एक ये हिंट होगा कि आपको एक और ओमेगा नॉट के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगानी पड़ेगी, और एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्यू विल मैनेज टू टॉपल अगर उसका एंगल क्या हो जाता है पाई बाय 45 डिग्री। मैं बार बार ये एग्जाम्पल भी दे रहा था, ये क्यूब है ये ऐसे ये वाला एंड जो है वो एकदम ऊपर आ जाएगा, तो ये जो फिगर बनेगी ये फिगर ऐसी बनेगी डॉट 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 वाली, ठीक, डॉट 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 वाली, राइट। तो इस केस में एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएं तो इसमें क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ इंटू आई पी इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। मैं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, 2 मिनट तो मैं बिठा लो, 2 मिनट में आ रहा हूं ठीक। हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस एम जी इन टू ए बाई टू, ये पॉइंट समझ में आया कैसे, फिर वो वहां काइनेटिक क्यों बंद होगी रोटेशनल की, क्योंकि अब वो एकदम खड़ा हो गया, क्योंकि अब कंडीशन आ गई लिमिटिंग की, अब वो या इधर, तो वहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, सिर्फ क्या बच गई पोटेंशियल, और पहले सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर था ए बाई टू, पोटेंशियल कितनी है एम जी इंटू ए बाई टू तो थी, और घूमते वक्त उसने क्या एक्वायर की थी, ओमेगा नॉट। आई पी की वैल्यू पुट करके आपके पास ओमेगा नॉट आएगा, फिर वी आएगा। ये भी थोड़ा सा एंड वाला पार्ट बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है ना, तो एकदम ऊपर खड़ा हो जाएगा, ठीक, लिमिटिंग कंडीशन है, ए बाय रूट टू बेटा स्क्वायर है। डायगनल का हाफ है, हाँ ओके। ये क्वेश्चन पढ़ना प्लीज, ये क्वेश्चन
ठीक ओके, तो ये क्वेश्चन देखा हो गया, ये किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तूने पूछा था, हिंजेस वाला प्रॉब्लम थी, ठीक है, द डोर ऑफ हो गया, भूल गए, अच्छा ठीक है, तो डोर ऑफ एलमीरा इज 4 मीटर हाई, तो 4 मीटर का डोर है एंड 50 kg का इसका मास है, द डोर इज सपोर्टेड बाय 2 हिंजेस, 2 हिंजेस हैं, और हिंजेस समझते हो ना, और नहीं 2 मीटर वाइड है, रॉन्ग है, 2 मीटर वाइड आएगा यार, अलमीरा 4 मीटर हाई है, 2 मीटर वाइड है, द डोर इज सपोर्टेड बाय 2 हिंजेस और एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये 1 मीटर पे 2 हिंजेस हैं, करेक्शन कर लेना है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स एग्जर्टेड बाय द हिंजेस ऑन द डोर इज इक्वल, तो हिंजेस के ऊपर मैग्नीट्यूड फोर्स का इक्वल है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, देखो जब तक फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगा नई बात बनेगी, तो डायग्राम के अंदर ये डोर है 50 × 10 500 N का इसका वेट है, 2 मीटर वाइड है तो मिड पॉइंट 1 मीटर 1 मीटर है, 4 मीटर है तो मिड पॉइंट इसका 2 और 2 है, हिंजेस इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे डोर पे, डोर हिंजेस पे लगाएंगे, डोर पे एक वर्टिकल फोर्स लगेगी का हॉरिजॉन्टल, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट ये रही, और उसी तरीके से डोर हिंजेस पे, हिंजेस डोर पे, और वर्टिकल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट। आप कहेंगे कि वर्टिकल फोर्सेस हमें कैसे पता लगेगा कि हिंजेस के नीचे ऊपर क्यों नहीं है, अगर मैं हिंजेस के ऊपर फोर्स लेता हूँ मान लो वर्टिकल, तो ये वाली इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कहाँ आएगी, नीचे, मतलब डोर का भार भी नीचे है और ये वर्टिकल फोर्स भी नीचे है, फिर सपोर्ट कौन कर रहा है डोर को, कोई भी नहीं, कोई तो उसको, देखो हिंज क्यों लगाया था, डोर को खड़ाने के लिए, इसलिए नहीं कि डोर भी नीचे और हिंज भी उल्टा उसके ऊपर भार लगाएगा, फिर तो दोनों नीचे तोड़ देंगे उसको, हिंज टूट जाएंगे, तो ऑब्वियसली हिंज के ऊपर जो फोर्स, जो डोर के ऊपर फोर्स लगेगी, ऑब्वियसली हिंज की वजह से वो ऊपर लगेगी, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, तो 500 इज इक्वल टू वर्टिकल इक्विलिब्रियम एफ वी प्लस एफ ई, यहाँ से एक तो वर्टिकल फोर्स आ गई, टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लोअर या अपर हिंज, या ये पॉइंट ले लो या ये पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो, मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल लो, मोमेंट ऑफ फोर्स में मैंने क्या किया, इसमें मैं लोअर हिंज ले लिया, लोअर हिंज के हिसाब से 500, ये 500 है, और 500 इंटू कितना 1 मीटर, वो क्यों, वाई एक्सिस में फोर्स है तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस में कितना है 1 मीटर है, ये एक फोर्स है, और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए ये एफ एच है ये ना, और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर क्या निकल के आएगा 2, ये एफ एच ना थोड़ा नीचे लग गया, एफ एच को मुझे थोड़ा नहीं ठीक लगाया मैंने, एफ एच इंटू 2, हिंज की पोजीशन क्या है 1 मीटर है ना, तो इट शुड बी 1 मीटर, ओ सॉरी यार, मैं लोअर हिंज पे तो पॉइंट लगा रहा हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, मैं अपना लोअर हिंज का एक्सिस मान रहा हूँ इसे, मैं फिर से रिपीट करता हूँ प्लीज, तो लोअर हिंज है ये, मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो सारे डिस्टेंसेज इससे लूंगा मैं, तो अपर से नहीं ले रहा, तो लोअर हिंज तो टॉर्क जनरेट ही नहीं करेगा, वो तो पॉइंट ऑफ एक्सिस पे ही फोर्सेज लग रही हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ, तो ये तो लेने की जरूरत ही नहीं है, इसको लेना है राइट, तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके हिसाब से ये पॉइंट अगर एक्सिस है तो ये तो सही है, 500 इंटू दिस डिस्टेंस इज ओके, इसमें वर्टिकल फोर्स नहीं ले सकते क्योंकि एक्सिस के ऊपर ही काम कर रही है, ये एक्सिस है, पर हॉरिजॉन्टल ले सकते हैं, हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस यहां से कितना है, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 मीटर गिवन है, टोटल 2 है, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, तो ये भी कितना 1, अब सही है, एफ एच इंटू 2, ठीक है ना, ये एफ एच है, इसकी दूरी इस हिंज से निकालनी है, तो अगर ये टोटल 2 है और ये हिंज का डिस्टेंस 1 है, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या आ जाएगा 1, तो इस तरीके से 1 + 1 = 2, तो यहां से एफ एच की वैल्यू आ जाएगी, तो एफ एच आ गया और एफ वी आ गया, पर वो क्या कह रहा है, फोर्स ऑन डोर एग्जर्टेड बाय आइदर हिंज इज सेम, वो तो दोनों हिंज ऑब्वियसली सेम ही फोर्स लगा रहे हैं, तो एक हिंज नेट फोर्स कितनी लगा रहा है, वेक्टर सम ऑफ एफ एच एंड एफ वी, तो एक ये लगाएगा तो दूसरा भी एग्जैक्टली सेम ही लगाएगा, तो अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड दोनों हिंजेस पर एग्जैक्टली सेम लगेगा, ये क्वेश्चन पढ़ना एक बार, टॉपलिंग आ गई नहीं आएगी, विदाउट टॉपलिंग है क्योंकि, हाँ आ गई आ गई आ गई, सॉरी आएगी, कंडीशन तो लिमिटिंग वही बनेगी,
इसके अंदर फाइंड मैक्सिमम रेशियो ऑफ एच बाई बी, तो आपको एक क्वेश्चन में गिवन है कि एक होमोजीनियस ब्लॉक है और विल स्लाइड विदाउट टिपिंग, टिपिंग मतलब कि वो एक एक जगह से उठ जाना, तो टॉपलिंग ही होती है बेसिकली, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स पी गिवन म्यू एस गिवन है। तो ये जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो भी सुन लें कि जो व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी टॉपलिंग की, एक वीडियो थी, तो टॉपलिंग की वीडियो के बाद ही ये सुनना है, तो टॉपलिंग की वीडियो साथ साथ सुननी है, राइट। तो अगर नहीं है इस टाइम तो मैं लिंक फिर से सेंड कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक। तो अभी क्या है कि तो इसके अंदर ये एक जो ब्लॉक है, जो टॉपलिंग की कंडीशन क्या थी, कोई चीज जो पलटने लगती है ना, नॉर्मली नॉर्मल रिएक्शन उसके सेंटर पे यहां एक्ट करता है, पर जब वो बिल्कुल टॉपल की कंडीशन में आ जाती है, मैंने दिखाया नहीं, हल्का सा उठता वो दिखाना चाहिए था मुझे, यानी कि टॉपल होने वाली है, तो कंडीशन है टॉपलिंग की, वो वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल रिएक्शन जब तक इसके एक्सिस को कोइंसाइड नहीं करता टॉपलिंग नहीं होती। तो जब तक ये पीछे है नॉर्मल रिएक्शन तो ये नीचे की तरफ ही रहेगा, ये टॉपल नहीं कर सकता। टॉपलिंग की कंडीशन यही है कि ये समझो नॉर्मल रिएक्शन जब कॉर्नर पे आ जाएगा अब बॉडी क्या कर जाएगी, टॉपल। और हमें लिमिटिंग केस करना है, हम चाहते हैं कि टॉपलिंग बस बिल्कुल ना हो, वो लिमिटिंग केस सॉल्व करना है। तो हम एक काम करते हैं, टॉपलिंग कब होगी, जब नॉर्मल रिएक्शन एकदम यहां पर आ जाएगा, हल्का सा इधर को गया और ब्लॉक, तो समझो ये टॉपल हो गया। तो ये लिमिटिंग कंडीशन है इसकी, तो mg cos थीटा mg sin थीटा। तो इस केस में जो मैंने लिखा हुआ है, ब्लॉक हैज टू स्लाइड विदाउट टॉपलिंग या टिपिंग, ब्लॉक मस्ट बी इन ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब, देखो इक्विलिब्रियम खराब हो गया तो वो घूम जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि वो ना घूमे, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ना आगे जाए ना पीछे जाए, और ट्रांसलेशन तो रही रहे। तो इस केस में फॉर टिपिंग एन मस्ट पास थ्रू पॉइंट ओ, मैंने लिख दिया इसमें, और कंडीशन क्या है इसकी, पी नीचे की तरफ है, एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है, और कौन बचाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इक्वेशन नंबर मेरे ख्याल से पी तक तो क्लियर है। और टॉपलिंग के लिए जो एक्सिस हो जाता है, जब टॉपलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो हो जाता है वो ओ हो जाता है, ओ सच दैट अगर ये हाइट एच है तो ये हाइट एच बाई टू है, और अगर ये बी है तो ये बी बाई टू है। तो ओ पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लगाएंगे, तो पी पॉइंट का टॉर्क क्या लगेगा, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है एच, एम जी साइन थीटा टॉर्क जनरेट इसमें नहीं करेगा, तो दूसरा इसमें क्या करेंगे, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा इंटू क्या करेंगे इसमें बी बाई टू। तो यहाँ से ये टॉपलिंग की ही प्रॉब्लम है बेसिकली, अगर आपको, अगर आप फिर से रिवाइज करेंगे टॉपलिंग, तो टॉपलिंग की कंडीशन यही है। मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करवा पाऊँगा, मेरे पास शीट नहीं है इस टाइम, या तो मैं लेके आऊँगा, तो उसमें पहले थ्योरी बता दूंगा इसमें। तो इस केस में पी की वैल्यू को जस्ट दोनों को इक्वेट करके आपके बी बाई एच की ये रेशियो आ जाएगी, जो भी आप इसमें निकाल रहे हैं। तो बी बाई एच की रेशियो निकालनी थी, पर वही सेम प्रॉब्लम है, जब तक टॉपलिंग की कंडीशन नहीं पता होगी ना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो टॉपलिंग की कंडीशन पता होनी जरूरी है, पर ये प्योर टॉपलिंग भी नहीं कहूँगा मैं इसे, बिकॉज इसमें उसके अंदर बेसिकली टॉपलिंग की कंडीशन जो हम कैलकुलेट करते थे वो म्यू के साथ कैलकुलेट करते थे, म्यू ग्रेटर देन म्यू लेस देन, ये कॉन्सेप्ट तो यूज़ कर रहा है सेम टू सेम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का भी और फोर्स का भी, बट एग्जैक्टली ये सेम टू सेम टॉपिक नहीं है कम से कम। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को इस तरीके से आपने सॉल्व करना है, मतलब क्या आइडिया लगेगा इस टाइप की प्रॉब्लम में, ये आपको जरा ध्यान से एक बार नोट करना है, राइट। मैं 2016 का ये क्वेश्चन आया हुआ है, 17 का पेपर सॉल्व करने लगा था, पहले 16 किया फिर 18 किया 17, बीच में टाइम नहीं लगा, कल वो कर लेंगे, 3 साल के करेंगे। तो ये 16 वाला पेपर है, इसमें प्रॉब्लम आई हुई है, प्लीज़ एक बार प्रॉब्लम पढ़ लें, और ये फिगर इसके अंदर नीचे है, एक बार प्लीज़ पढ़ना प्रॉब्लम क्या है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की प्रॉब्लम है वैसे,
क्वेश्चन की खास बात यह है, लेडर वाली प्रॉब्लम तो हमने पहले भी की, मेरी शीट्स के अंदर बहुत मिलेंगी लेडर वाली प्रॉब्लम। लेडर टिकी हुई है दीवार के साथ और वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। लेडर का एक हिस्सा हवा में टिका हुआ है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं की, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया उन्होंने। देखो क्या वो कहते हैं, ठीक है एक लेडर है, स्टिक है जिसका मास गिवन है, लेंथ एल है, रेस्ट ऑन इंक्लाइन मैनर ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट गिवन, दीवार की हाइट इसमें एच गिवन है और एच एल से छोटा है, और सच दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्टिक एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वॉल, दीवार के ऊपर चला गया। ये नहीं किया, देखा भी नहीं कहीं इन्होंने बनाया वो, वैसे नॉर्मली दीवार तक ही रहती है लेडर, मतलब वॉल बड़ी होती है लेडर बीच में होती है, इस बार लेडर बड़ी है और दीवार थोड़ी छोटी है। द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक, परपेंडिकुलर टू द स्टिक क्वेश्चन में गिवन है। द स्टिक्स मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल, 30 डिग्री का एंगल स्टिक ने बनाया हुआ, आप चेक कर सकते हो वॉल के साथ ये रहा। एंड बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन द रफ फ्लोर, फ्रिक्शन है इसका मतलब, यहां फ्रिक्शन नहीं है यहां फ्रिक्शन है। द रिएक्शन ऑन द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो रिएक्शन लगा दीवार से N1 मैग्नीट्यूड ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक, तो फ्लोर से रिएक्शन क्या लगा N2 और इससे क्या लगा N1, तो इसकी डायरेक्शन इसलिए परपेंडिकुलर है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि इट इज परपेंडिकुलर, तो N1 N2 के मैग्नीट्यूड के बराबर है। द रेशियो H/L निकालो एंड फ्रिक्शनल फोर्स F निकालो, क्वेश्चन है ठीक। N1 N2 समझ में आता है, सेंटर ऑफ मास समझ में आता है, 60 डिग्री समझ में आता है, 90-30 समझ में आता है। और बेटर डायग्राम के लिए ये N2 है, ये N1 है, ये 30 है, ये 60 है, ये 30 है, परपेंडिकुलर है क्योंकि टोटल N1 का कॉम्पोनेंट N1 cos 30, N1 sin 30, N2 तो ऐसे ही है, तो x और y एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हमने। नेक्स्ट है इसमें, ये अगर L/2 है मिड पॉइंट से और ये अगर एंगल 60 तो ये भी 60, तो ये L/2 cos 60, क्यों, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में डिस्टेंसेस काम आएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले इस केस में x एक्सिस की बात करते हैं, तो रोटेशन इक्विलिब्रियम x में क्या होगा, N1 cos 30 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, इक्वेशन नंबर 1। y एक्सिस की बात करते हैं तो mg नीचे की तरफ है, mg नीचे की तरफ है और इज इक्वल टू N2 प्लस N1 sin 30, ये रहा इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन के तो हो गए डन। अब बात करते हैं रोटेशनल, रोटेशनल में क्या निकलेगा, टॉर्क। मान लो कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कुछ भी ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क निकलेगा तो ये दो फोर्सेज तो नहीं लेनी क्योंकि ये तो क्या ही टॉर्क लगाएंगी, तो एक mg लगाएगा और ये फोर्सेज लगाएंगी, तो कैसे, mg y एक्सिस की फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है L/2 cos 60 एक फोर्स, और दूसरी फोर्स कितनी है N1, कंपोनेंट मत लो N1 ले लो, N1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से क्या बनेगा इसका, ये N1 है, N1 और पॉइंट ऑफ एक्सिस क्या है हमारा, ये पॉइंट ऑफ एक्सिस है, तो ये आपके पास हाइट कितनी है h, ये एंगल कितना है 60, चलो ये 30 है, तो cos 30 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय x, तो x इज इक्वल टू h बाय cos 30, तो N1 इंटू दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है h cos 30, बस यही फर्क है। अगर कि हमारा नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ये L हो जाता क्योंकि हम तो पूरी लेंथ लेते हैं रॉड की, पर ये क्योंकि वो जो रॉड स्टिक का कुछ पोर्शन बाहर चला गया, हमारा क्वेश्चन बस यहीं तक रह गया, तो ये हमें हाइट h की फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। और N1 N2 के बराबर गिवन है, इन तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपके पास H/L की रेशियो और F की रेशियो आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है, मतलब वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हैं जो हम करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा, तो कॉन्सेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, क्या दिक्कत है। पर याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मास्टरी है ना, अगर मेंस लेवल की मास्टरी है पूरी, ये मुश्किल नहीं है क्योंकि फटाफट चीज़ें फिर कैच करोगे, अगर वहाँ पे अटकते हो और सीधा एडवांस पे जाते हो तो होता नहीं क्लियर, बहुत बच्चे पढ़ाए हमने भी ठीक। तो मेरा जितने बच्चे मैंने देखे हैं निकलते हुए एडवांस में, वो 200 प्लस कैटेगरी के ही ज़्यादातर देखे हैं, अब जिनको मेंस में बहुत ज़्यादा उनका हाथ बैठा हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट में पेन अटकता नहीं है, जल्दी सॉल्व करते हैं, और ऐसा नहीं कि तो जल्दी काम करते हैं, मतलब आंसर भी बहुत एक्यूरेट निकालते हैं, चीज़ें क्लियर दिखती हैं ज़्यादा, बस तो क्लियर हो जाएगा ठीक। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, फिर इसी साल में दूसरा क्वेश्चन आया, ये पेपर 1 या 2 में से मुझे याद नहीं है,
बुक लेनी है बुक ले लो, मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी बुक लेनी है। IIT की बुक है आपके पास? पुराने पेपर्स नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। PCM के जैसे मेंस के आते हैं वैसे एडवांस के आते हैं, चाहो तो चैप्टर वाइज ले लोगे तो भी ठीक है। मेरे पास जो बुक है वो तो पूरी की पूरे पेपर्स ही हैं, मतलब उसमें पेपर 1, पेपर 2, सारा ही है। क्योंकि नॉर्मली हम एंड में करवाते हैं, हार्डली मैटर्स वो, तो फिर जब सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है तो वो तो सारा ही फिर बच्चे सॉल्व कर देते हैं। तो चाहे चैप्टर वाइज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक? तो अभी मतलब ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें सिलेबस तो हो ही चुका है। द पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम इज गिवन बाई द इक्वेशन। ये तो यार 2016 में, 2018 में इन्होंने आर वेक्टर, टॉर्क वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर पे तो एक क्वेश्चन देना ही देना है। जो मर्जी कर लो, इस टाइप की प्रॉब्लम तो आनी आनी है। कैसे? आर वेक्टर गिवन है टाइम के फंक्शन के साथ गिवन है। देखो आर वेक्टर के अंदर टाइम आ रहा है, जो भी इसकी वैल्यू है, अल्फा बीटा इसने दे ही दिया हमें, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दिया, हम बाद में पुट कर लेंगे। मास भी इसमें गिवन है, एट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कर लो ट्राई। हाँ परेशान होके नहीं बोलना, क्योंकि करना पड़ना है बहुत ज्यादा, ठीक? तो इसके अंदर वेलोसिटी वी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वेलोसिटी वी का ये ऑप्शन चेक करो, एंगुलर मोमेंटम चेक करो, फोर्स चेक करो और टॉर्क चेक करो। कुल मिला के ये मेंस लेवल के तो 4 क्वेश्चन ही हैं। मेंस में आना होगा तो बस एक दे देगा, एडवांस में आना है तो फिर ठीक है चारों चेक करते रहो, मल्टीपल टाइप प्रॉब्लम बन जाएगा इसमें। तो आर वेक्टर से शुरू करेंगे, तो मैंने पहले इसे डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास वी वेक्टर आया, ठीक हो गया? यहाँ तक वी वेक्टर आया, मैंने और डिफ्रेंशिएट किया तो ए वेक्टर आया, ये भी डन। नेक्स्ट टाइम टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड लिया, वी वेक्टर में टाइम को 1 पुट किया, वी वेक्टर आया, करेक्ट ऑप्शन आ गया। एल वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस पी। आर वेक्टर था, पी क्या होता है? मास इंटू वी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट लिया, आंसर मैच कर गया। फोर्स है मास इंटू एक्सेलेशन, मास पुट किया, एक्सेलेशन वेक्टर हमें हमारे पास है, टाइम को 1 पुट किया, मैच नहीं किया। टॉर्क है आर क्रॉस एफ, नहीं मैच किया, आंसर हो गया। ठीक है, आसान है, मुश्किल ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो और क्या चाहिए। ठीक, क्वेश्चन तो और भी आया है, एक आध दिखाऊंगा तुम्हें। वो क्वेश्चन वो बहुत ज्यादा ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गया, क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है? यहाँ तक टाइम बता देना मुझे, टाइम टाइम मुझे बस 1 मिनट और लूंगा। 2018 का क्वेश्चन करते हैं पहले, ये वाला इस साल का पढ़ना जरा। उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास एम इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। मैंने साइड पे लिख दिया वैसे कि हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसने क्या किया, वी कर दिया। आधे लोग तो वहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, वी और यू का। वी फॉर पोटेंशियल होता है वैसे, यू फॉर एनर्जी होती है, स्टैंडर्ड यही है। अब मर्जी अगले की, उसने वी सिंबल बनाना है तो बना दिया उसने, वी सिंबल बात ही खत्म हो। यू देखते लोगों को क्लिक करता है ना, अच्छा DU/DR इसमें नहीं क्लिक करेगा। चलो आगे, तो वो कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है, दिस पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अबाउट पॉइंट ओ, वी इज स्पीड ऑफ पार्टिकल,
एल एंग्लो मोमेंटम है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, और एनर्जी से फोर्स कैसे निकलती है, कंजर्वेटिव फोर्स है वैसे, इसमें मेंशन भी था। तो वी मतलब एनर्जी इसके इक्वल है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर, मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मेरे पास फोर्स आ गई, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है फोर्स का, फोर्स की डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर है, अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव होती है हमेशा, रिपल्सिव फोर्स पॉजिटिव होती है। और के आर मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो यही मेरी सेंट्रीपिटल है, तो के आर को किसके इक्वल किया है, वी स्क्वायर बाय आर, तो यहाँ से वी आ गया, और एट डिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये आ गया, चेक कर लेना ऑप्शन में है कि नहीं। फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पॉइंट मास का, एम वी आर, वी निकाल चुके, चेक कर लेना, आंसर आ गया, ठीक है भी? हाँ तो मैं तो सारे ऐसे नहीं है, पेपर वन का क्वेश्चन है ये, पेपर वन का क्वेश्चन है, पेपर टू का क्वेश्चन देख ही लो, नहीं कल करवाऊंगा, आज नहीं करवा पाऊंगा, आप देख सकते हो घर से ट्राई कर सकते हो, ये नहीं सच, ये वाला पेपर टू का है, ये वाला कुछ नहीं, मैच दी फॉलोइंग है, आता होगा कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलस डिफ्रेंशिएट करे, चलो आंसर आ जाएगा, मैं भी कर ही रहा था, इतने में टाइम ही हो गया, टाइम हो गया, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा अभी ये एंड में मैं करता गया, फिर मैंने कहा एंड में मैंने डैश डैश डैश, उसके बाद मैं कहा यार छोड़ो यार, अब तुम खुद ही कर लेना आगे जाके।